हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का एक और पार्ट, जिसमें हम देखेंगे रेड डेथ की ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है बारबाडोस की एनर्जी, जो कह रही थी, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम इसे रोक के दिखाओ। जो वर्ल्ड्स मल्टीवर्स में बनते हैं वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन वो मर भी जाते हैं। वो एक दिन तबाह होने के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके कोर में कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, और अगर तुमने कुछ गलती की है तो वो गलती डार्क मल्टीवर्स में एक और अर्थ और एक और तुम्हारी पर्सनैलिटी क्रिएट कर देगी। और तभी दूसरी तरफ अर्थ -52 में देखते हैं फ्लैश को किसी से डरकर भागते हुए, और वो कोई और नहीं बल्कि उस यूनिवर्स का बैटमैन था, जो फ्लैश के विलन्स के सारे हथियार यूज करके फ्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने जो भी गलतियां की थी और उसकी जो अर्थ तबाह हो रही थी, वो तबाही रोकने के लिए उसे स्पीड फोर्स चाहिए थी। लेकिन बैरी उसे समझाता है कि स्पीड फोर्स की वजह से बैरी ने पहले भी बहुत सारी गलतियां की है, और अब बैटमैन ये करने जा रहा है। लेकिन बैटमैन नहीं सुनता, और बैटमैन उससे लगातार वो स्पीड फोर्स मांगने लगता है। और बैटमैन फ्लैश के सारे सुपर विलन्स की एक एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर फ्लैश कहता है, वो लोग भी मुझसे ये ट्रिक इस्तेमाल करके बच नहीं पाए, तो तुम ऐसा क्या कर लोगे। तब अपना बैटरक निकाल कर वो कहता है, लेकिन उनके पास मेरे जैसे टॉयज नहीं थे। और तब वो अपने बैटरों से फ्लैश को घेर लेता है और बाहर निकल कर फ्लैश के साथ हाथापाई करने लगता है। लेकिन तभी फ्लैश अपनी स्पीड फोर्स का इस्तेमाल करके बैटमैन को दूर फेंक देता है, और बैटमैन वहां पर गिरने का नाटक कर रहा था। तभी फ्लैश आकर उसे समझाने लगता है, लेकिन बैटमैन तभी उठकर उसके पैर में एक फ्रीजिंग सीरम डाल देता है और उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। फ्लैश की आंखें खुलती है तब वो बैटरक पर बंधा हुआ था, जिसकी मदद से बैटमैन स्पीड फोर्स में दाखिल होकर उससे वो स्पीड फोर्स चुराने वाला था। लेकिन बैरी उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बैटमैन वो ना सुनते हुए फ्लैश के साथ उस स्पीड फोर्स में एंटर कर जाता है, और तभी दोनों ही एशेस में बदल कर वहाँ पर तबाह हो जाते हैं। और तभी दिखाई जाती है गौतम सिटी, जहाँ पर स्केयरक्रो लोगों को डरा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर रेड डेथ यानी कि बैरी एलन यानी फ्लैश और बैटमैन दोनों का मर्ज वर्जन यानी कि रेड डेथ वहाँ पर आकर स्केयरक्रो को एक ही झटके में मार देता है, और एक एक करके वो अपने सारे दुश्मनों से बदला ले लेता है। लेकिन तभी उसे यह पता चलता है कि वेन टावर के साथ साथ पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही है, और तब वो देखता है कि सारे मल्टीवर्स तबाह हो रहे हैं। लेकिन तभी बारबाडोस का एक आदमी उससे कहता है, अगर तुम इस सब से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उसके अंदर का बैरी एलन, जो कि अभी भी ब्रूस वेन के साथ मर्ज था, वो कहता है, ब्रूस नहीं, उसकी बात मत सुनो, मैं बैरी हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें अंधेरे की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो आदमी उससे कहता है, हमारे मल्टीवर्स के सारे अर्थ तबाह हो रही है, लेकिन एक ऐसा मल्टीवर्स है जिसमें तबाह होना नहीं लेकिन जिंदा रहना लिखा है, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो और अपने लोग और अपना राज वहाँ पर तुम फिर से तैयार कर सकते हो। इस पर अपना हेलमेट पहनते हुए रेड डेथ कहता है, तो बताओ कि मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। तब वो बारबाडोस का आदमी कहता है, इसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर बारबाडोस के पास चलना होगा। और तभी हम देखते हैं इरिस और वैली वेस्ट को अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है रेड डेथ, और उसके बैट्स आकर वैली वेस्ट की सारी पावर और सारी एनर्जी चूस लेते हैं, और इस वजह से इरिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वैली वेस्ट उसे पुकार कर अपने पास बुलाता है, और इसी के साथ उसकी भी पूरी एनर्जी चली जाती है। और तभी वहां पर आ जाता है बैरी एलन यानी कि द फ्लैश, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन बैरी एलन जल्दी ये समझ जाता है कि वो उन बैट की वजह से काफी स्लो पड़ रहा है, और तब वो पुकारने लगता है कॉस्ट्यूम के अंदर के ब्रूस को। लेकिन तभी डॉक्टर फेट अपने पोर्टल के थ्रू बैरी एलन को अपने पास बुला लेते हैं, और तब रेड डेथ गुस्से में कहता है, ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम मेरे साथ फिर से लड़ोगे, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा फ्लैश, बारबाडोस ने मुझे तुम्हारा अंत पहले ही बता दिया है, और अब तुम्हारी सेंट्रल सिटी बनेगी मेरा होम टाउन गौतम। और तब बारबाडोस का एक गुलाम हमें बताता है, मुझे एक सीक्रेट बताना है, ये सीक्रेट बैड डे के बारे में है, एक मोमेंट जो कभी आया ही नहीं, और इस मोमेंट की वजह से तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। अब सात मोस्ट डेंजरस बैटमैन जो कि डार्क मल्टीवर्स के है, तुम सभी को डार्क में ले जाएंगे, और अगर एक दिन में एक वर्ल्ड खत्म हो सकता है तो एक वीक में पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। और इसी के साथ
ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।